हाय एवरीवन, दिस इज भरत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत ट्रेडर्स ट्रस्टेड एकेडमी में। दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद हमारा ये वीडियो सेशन आ रहा है और एक्चुअली आप सभी को पता ही है कि हम लोग का जो ट्रेडिंग एकेडमी है वो मैंने कानपुर में अभी शिफ्ट कर दिया है। तो कानपुर में ऑलरेडी हम लोग के फोरेक्स के क्लासेस चल रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ट्रेडिंग सीखने के लिए तो आप आ सकते हो, कानपुर में विजिट कर सकते हो और हमसे मिल सकते हो। और जो ट्रेडिंग जैसे कि स्टॉक इंडियन स्टॉक मार्केट है उसका भी हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं, अभी वो भी उसके भी बैचेस चल रहे हैं हमारे यहाँ। प्लस जो फॉरेक्स का है उसका भी एजुकेशन हमारे यहाँ चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के वीडियो सेक्शन में आज हम लोग देखेंगे एक ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, जिसको कि हम लोग मार्केट रिवर्सिबल पैटर्न भी बोलते हैं, अगर हमें वो मार्केट में बनता है तो हमको किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से हम लोग उसको ट्रेड कर सकते हैं, कितने तरह के उस पर हमारी एंट्रीज बनती हैं, हमारा स्टॉप लॉस कितना होगा, हमारा टेक प्रॉफिट कितना होगा, आज हम लोग सारी चीज़ें हम लोग उसके लिए डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने बोर्ड की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग सभी लोग अभी जो लोग वेब नहीं जानते हैं उनको मे भी हो सकता है कि बहुत अच्छे से ये जो फंक्शन है हेड एंड शोल्डर वो क्लियरिटी ना आए। तो दोस्तों, जो अभी हम लोग बता रहे हैं दोस्तों, जो हम लोग का ट्रेडर्स एकेडमी दोस्तों, जितनी भी चीज़ें हम लोग बताते हैं वो सब कुछ वेब एनालिसिस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो भी पैटर्न मार्केट में बनता है उनको समझने के लिए हम लोग को वेव एनालिसिस आना बहुत ज़रूरी है। जिनको नहीं आता है दोस्तों, वो उनके लिए मैं अलग से ट्यूटोरियल्स बना दूंगा वेव एनालिसिस पे। अभी जिनको थोड़ा वो विद नॉलेज है वेव एनालिसिस का, वो आराम से समझ सकते हैं इस पैटर्न को कि हमें कैसे ट्रेड करना है। तो दोस्तों, जैसे कि अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को देखें हम लोग मार्केट को, तो ये हमारा जो है ABCD मार्केट ने बना के दिया हुआ है। ठीक है, अब जनरली ये जो है अपना अप ट्रेंड बनाते हुए इस तरह से निकल जाता है, कोई इशू नहीं है। चलिए ठीक है, जो इसका दूसरा केस हम लोग देखते हैं, उस केस में मार्केट क्या करता है, जब हम लोग बात करते हैं HNS यानी कि हेड एंड शोल्डर। ठीक है, अब एक चीज हम लोग और जान लेते हैं कि ये हेड एंड शोल्डर करता क्या है। दोस्तों, ये हेड एंड शोल्डर को हम लोग बोलते हैं मार्केट रिवर्सिबल साइन। मतलब कि अगर मार्केट हमारी बाई में जा रही है और हमको हेड एंड शोल्डर मिलता है तो मार्केट सेल आ जाएगी, अगर मार्केट ऑलरेडी सेल में जा रही है और हमें हेड एंड शोल्डर मिलता है तो मार्केट बाई चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, बोलते हैं जब मार्केट को हेड एंड शोल्डर बनाना होता है तो वो किस तरह से पैटर्न को फॉलो करता है। इसने मार्केट ने हाई बनाया, देन लो बनाया, देन हाई बनाया, देन लो बनाया, देन ये हाई बनाया। अब उसके बाद मार्केट क्या करेगा कि मार्केट जो है अभी तक क्या कर रहा था कि उसके पूरा 100% लेवल पे रिट्रेस नहीं कर रहा था। ठीक है, इस केस में भी मार्केट ने जो है अपने पिछले लो के 100% लेवल को रिट्रेस नहीं किया। ठीक है, इस केस में भी नहीं किया, लेकिन जब मार्केट हेड एंड शोल्डर देना होता है उस केस में मार्केट क्या करता है कि वो आपके 100% लेवल पे जो है वो आपको रिट्रेस कर देगा। ठीक है, ये जो है 100% लेवल रिट्रेस होता है, ये पहली पहचान होती है हेड एंड शोल्डर बनने की। ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या करेगा, यहां से मार्केट उठता है और वो पिछला जो शोल्डर उसने दिया हुआ है, ये पिछला जो है दिया हुआ है, मार्केट वहां तक जाता है और फिर वहीं से ये बेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मार्केट जैसे ही हमको ये स्ट्रक्चर देगा, अच्छा ये स्ट्रक्चर भी अगेन आपके उसी 100% लेवल पे ही आएगा। ठीक है, तो हमको जो है नंबर वन है यहां पे भी 100% मिलेगा और यहां पे नंबर टू यहां पे भी मार्केट आपको 100% आके रिट्रेसमेंट देगा। तो जो ये हमारा स्ट्रक्चर रेडी होता है दोस्तों, ये इसको हम लोग बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। ठीक है, अब ये हमारा पैटर्न बन गया, इसके बाद में हम इस पर ट्रेड कैसे करेंगे। तो ट्रेड करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, कि हम लोग इसको बोलते हैं शोल्डर, SHOULDER, इसको हम लोग बोलते हैं शोल्डर। ये हमारा होता है हेड, ये हम लोग के जैसा ही है दोस्तों, जैसे कि ये हम लोग का हेड होता है और ये हमारा शोल्डर होता है हम लोगों का। तो ये देखिए, हम लोग का ये शोल्डर हो गया, ये हमारा जो है हमारा हेड हो गया। तो आप इसको मैच करवाइए, यहां से ये हमारा हेड हो गया, ये शोल्डर हो गया, ये शोल्डर हो गया इसमें, और ये शोल्डर इधर है, ये शोल्डर हमारा हो गया इसमें। ठीक है, तो हमारा एज ए ह्यूमन लोगों की तरह हमारा बन गया हेड एंड शोल्डर। ठीक है, उसके बाद में जब मार्केट हमारा इस तरह का लेवल बनाता है तो हम लोग को ट्रेड कैसे करना होता है, यानी कि जो हमारी नेक लाइन है,
जब ये हमारी नेक लाइन एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सिबल या स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल से जब हमारी ब्रेक हो जाएगी तो हम एक अपना यहाँ पे सेल की लॉट एक्टिव कर देंगे। और यहां से ये जो आप देख रहे हो इस नेक लाइन से लेकर इस हेड तक का जो डिस्टेंस है वो सेम डिस्टेंस हम मेजर करके हम लोग यहाँ पे लगा देंगे टीपी। और स्टॉप लॉस जो है हमारा अपने इस शोल्डर से थोड़ा सा ऊपर रहता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से आप 5 या 10 पिप जो है 10 पिप आप आराम से यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा दोगे, ठीक है। ये दोस्तों आज जो हमने आपसे डिस्कशन किया ये नॉर्मल व्यू है हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ट्रेड करने का, बट इसका भी एक एडवांस पैटर्न है दोस्तों। और हम लोग किस तरह से स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट को किस तरह से हम लोग और एडजस्ट कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अभी के लिए जो जनरल व्यू मैंने बताया दोस्तों केवल बेसिक्स है, इसको आप केवल अभी ध्यान रखिएगा। बट जो अभी नेक्स्ट वीडियो दोस्तों सारे वीडियोज को वन बाय वन फॉलो अप करते जाइएगा, एक भी वीडियो आप लोग मिस कर देंगे तो आप एक बेटर एजुकेशन से दूर कर लेंगे खुद को, तो इस पर बहुत ध्यान रखिएगा। ये केवल एक जनरल व्यू हमने आपको दिखाया है जो कि आपको लगभग सभी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका एडवांस क्या है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे। तो हमारे वीडियोस को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, हमारे सारे वीडियोस को वन बाय वन करके फॉलोअप करिए, आपको एक बेटर एजुकेशन मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।